हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ऐसे किचन टिप्स बताने वाली हूँ कि आप भी बोलोगे कि पहले ये क्यों नहीं पता था। ये बहुत ही काम के और यूजफुल है, सेफ्टी के पर्पज से और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या टिप्स हैं। और आपको टिप्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टिप्स सबसे अच्छा लगा। ऐसी बर्तन वाली टोकनी तो सभी के घर में होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे चम्मच लगाने के लिए दिया रहता है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि इसमें पूरे चम्मच आ नहीं पाते हैं, बहुत कम स्पून आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा डब्बा ले लेना है। ये देखिए, मैं ये हर्बल वाला डब्बा लिया है मैंने, जो खाली हुआ है मेरे यहाँ, तो मैंने ऐसा डब्बा ले लिया। आप कोई भी जो हम खाना पैक करा के लाते हैं, जोमेटो वाले जो डब्बे आते हैं, कोई भी ऐसा डब्बा ले सकते हैं। और दो होल मैंने इसमें नीचे कर दिया है ताकि चम्मच डालने के बाद जो पानी साथ में आता है वो होल से निकल जाए। और साथ में दो होल मैंने ऐसे साइड में बनाया है और एक मैंने इसमें ऐसा तार लगा दिया। अब तार नहीं है तो आप मोटा धागा भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको टोकनी के साथ में यहाँ अटैच कर देंगे। इसे क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पून होते हैं, चम्मच होते हैं, पलटे होते हैं, आप सब इसमें डालेंगे तो ईजिली आपको मिल भी जाएगा और अच्छे से ढेर सारे पूरे स्पून आपके टोकनी में आ भी जाएंगे। देखिए, उनको ढूंढना भी इजी रहेगा। आप चाहे तो बड़े साइज का भी डब्बा लगा सकते हैं, पर मैं छोटे इसलिए लगाई हूँ कि बहुत बड़ा डब्बा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा, तो है ना सही आइडिया। देखिए, मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, अब बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो गया है। जितने भी बर्तन होते समय आप लेंगे, जितने भी रहेंगे सब इजिली आप इसमें डाल सकते हैं। आपको टोकनी के अंदर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि स्पून कहाँ है, चम्मच कहाँ है, पलटा कहाँ है, सब इजिली आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, हम मार्केट से ढेर सारा आलू प्याज एक साथ ले आते हैं, क्योंकि कौन रोज लाए, रोज रोज लेके आए तो 2-3 किलो तो या 4-5 किलो तो एक साथ हम ले ही आते हैं। तो हम क्या इनको जब ऐसे बास्केट में रखते हैं तो क्या होता है, इसमें से कचरा झड़ के नीचे गिरता है। तो जब भी आप ऐसे बास्केट में आलू या प्याज रखें तो नीचे एक ऐसे न्यूज़पेपर बिछा लें। न्यूज़पेपर नहीं है तो क्या करिए, ऐसे पुराने झोले भी आप कपड़े वाले आते रहते हैं छोटे साइज के, तो आप इसको इसमें नीचे अच्छे से बिछा लीजिए। इससे क्या है, जितना भी कचरा है वो टोकनी के नीचे नहीं गिरेगा, वो सब यहीं पे स्टोर रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, आलू प्याज जब रखते हैं तो ये क्या है, गर्मियों में सड़ते भी बहुत जल्दी है, तो इनको जल्दी ना सड़े इसके लिए आप क्या करें, इसमें ऐसे छोटे छोटे न्यूज़पेपर के टुकड़े काट के डाल दीजिए। आपने देखा होगा मार्केट में जब हम फ्रूट लाते हैं ढेर सारा पेटी, तो उसमें ऐसे ही न्यूज़पेपर के टुकड़े रहते हैं। इससे क्या है कि इसमें जो इंक होती है ना, वो इनको जल्दी सड़ने नहीं देती है, सारा मॉइस्चर पेपर इसका सोख लेता है। तो इसी तरीके से आपको इसमें छोटे छोटे पेपर तोड़ के डाल देना है, इससे आपके आलू प्याज जल्दी सड़ेंगे नहीं, तो है ना सही आइडिया। फ्रेंड्स, गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा स्लैब पे बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं, कॉकरोच हो जाते हैं। हम कितना भी साफ करके सोते हैं, रात को आप उठ के देखिए लाइट चलाइए तो आपको कॉकरोच यहाँ वहाँ घूमते दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे की बॉटल लेना है, कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं स्प्रे वाली, और उसमें मैं आधा बॉटल के करीब पानी डाल दूंगी, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और एक ढक्कन मैं इसमें डिटॉल डाल दूंगी, कोई भी डिटॉल जो आपके पास हो, डिटॉल सेवलन आप डाल सकते हैं। क्या करना है, इस स्प्रे को पूरे स्लैब पे हम स्प्रे करेंगे और फिर उससे पोंछ देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। अब क्या करना है, ऐसे ऐसे स्प्रे करते जाना है। देखिए, इस तरीके से पूरा मैं अच्छे से स्लैब पे स्प्रे कर दूंगी और फिर पूरे स्लैब को अच्छे से मैं पोंछ दूंगी। इससे क्या है कि डिटॉल की जो स्मेल होती है और जो नमक का खारापन होता है ना, वो जब तक स्लैब पे रहेगा तब तक ना तो चींटियां आएंगी, ना कॉकरोच आएंगे, कोई भी जर्म्स नहीं आएंगे। आप इसे अलमारियों को भी पोंछ सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है पोंछने से। इसी तरीके से अलमारी पे भी ऐसे स्प्रे करेंगे और पूरा अच्छे से पोंछ देंगे। आप देखेंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, डिटॉल की खुशबू इतनी अच्छी है कि एकदम आपका मन खुश हो जाएगा किचन में काम करने पे। इसी तरीके से हम गैस स्लैब को भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पोंछ लेंगे। देखिए, गैस पे भी मैं स्प्रे मार देती हूँ। ज्यादातर आप जब दोपहर को या रात को जब आप किचन साफ करके सोने जाते हैं तब ये स्प्रे एक बार जरूर करिए। इसे क्या है, बिल्कुल भी चींटी और कॉकरोच जो है वो नहीं आएंगे। गैस के नीचे भी थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, उसमें भी अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और चींटियाँ और कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसा आप एक स्प्रे बना के रख लीजिए और डेली आप एक बार ऐसा स्प्रे करके जरूर पूछिए, आप देखिएगा आपके घर से चींटी और कॉकरोच सब खत्म हो जाएंगे।
पोछा तो सबके यहाँ रोज लगता है, लेकिन यदि आप पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें, ये देखिए, और एक टुकड़ा नींबू का डाल दें। ये मेरा नींबू खराब हो गया, इसमें पूरे डाल दे रही हूँ। और साथ में जब हम सर्फ डालते हैं तो सर्फ की जगह आपको क्या डालना है, विम लिक्विड डालना है। तो एक से दो ड्रॉप आपको इसमें विम लिक्विड की डालनी है। अब आप इसे पोछा लगाइए, तो देखिए वास्तु के हिसाब से भी नमक और नींबू डाल के पोछा लगाना बहुत अच्छा मानते हैं। सारी जो नेगेटिव रहती है, एनर्जी रहती है, वो सब बाहर रहती है और घर भी बहुत साफ रहता है। जो कॉकरोच और चींटियाँ हैं, जो अभी तो गर्मी के टाइम कीड़े आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आप ऐसे डाल के रोज पोछा लगाइए तो ये आपके और आपके घर के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, बहुत सारे घरों में बाइयाँ नहीं होती है, खुद काम करना पड़ता है, और जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ तो पता नहीं दिन में कितनी बार झाड़ू और पोछा लगाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे अभी मेरा किचन भी कितना गंदा दिख रहा है, अभी काम नहीं हुआ है क्योंकि। तो मैं आपको ऐसा आइडिया बताती हूँ कि आपको झाड़ू पोछा अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा, आप एक ही साथ दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे दो सॉक्स लिए हुए हैं, आप थोड़े से मोटे साइज के सॉक्स लेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा गीला कर लेना है। गीला करके मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूंगी ताकि सारा पानी इसका जो है निकल जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, वाइपर में लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वाइपर ले लिया है। अब क्या करना है, सॉक्स को वाइपर पे लगाना है। तो एक सॉक्स को मैं इस तरफ से यहाँ तक पूरा लगाऊंगी और दूसरे सॉक्स को अपोजिट साइड से लगाएंगे, मतलब पूरे वाइपर को हमको सॉक्स से कवर करना है। तो इस तरीके से देखिए सॉक्स को मैंने इसे फोल्ड कर लिया और जहाँ तक आएगा पूरा ऐसे खींच के लगा देना है। अच्छे से लगा देंगे। अब मोटा सॉक्स रहेगा तो क्या है, बहुत अच्छे से वो क्लीन करेगा। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी सॉक्स को लगा देती हूँ। इधर से भी सॉक्स को ऐसे लगाना है, पूरा आपको इधर फंसा देना है। दोनों सॉक्स पूरे अच्छे से वाइपर को कवर कर रहेंगे। क्या करना है, अब हम इसे क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपको अलग अलग झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, ना झाड़ू लगाना है ना पोछा, इससे आपका दोनों काम होएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से पूरा कचरा ये इकट्ठा कर दे रहा है। और वाइपर तो क्या है, पतला होता है ना, तो वो अच्छे से कोने कोने में भी चला जाता है। ये देखिए सब ठोक देंगे तो क्या है, जितना कचरा है सब इकट्ठा हो जाएगा। आपने मॉल में देखा होगा इस तरीके से एक एक वाइपर से वो लोग झाड़ू पोछा सब कर लेती हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं इसको पूरा क्लीन कर लूँगी। ये देखिए पूरा कचरा मैंने इकट्ठा कर लिया, ना झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ी ना पोछा करने की, दोनों काम एक ही बार में हो गया। फ्रेंड, जब आप धुलाई करते हैं तब भी आप वाइपर पे ऐसे सॉक्स जरूर लगाइए। उसे क्या है, जब धुलाई करते समय हम पानी खींचते हैं ना तो खाली पानी खींचता है, लेकिन यदि वाइपर पे ऐसे सॉक्स लगा देंगे ना तो वाइपर क्या करेगा, फ्लोर को अच्छे से रगड़ के क्लीन भी कर देगा। तो आपका डबल काम, सिंगल वाइपर से आपका डबल काम हो जाएगा, मेहनत भी कम लगेगी और सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए पूरा कचरा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब मैं इसको उठा दूंगी, मुझे झाड़ू पोछा दोनों नहीं करना पड़ा, एक ही बार में मेरा दोनों काम हो गया। फ्रेंड, सभी के घरों में चाकूएं तो बहुत सारी होती है, 4-5-6 तो होती ही है क्योंकि किचन में काम लगता रहता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे चाकू को खड़ा कर देते हैं, तो ऐसा वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होता है और सेफ्टी के हिसाब से भी ये बहुत गलत होता है। क्योंकि क्या है, कभी कभी हमको बहुत जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, हम अचानक से चाकू ऐसे उठा लें तो एक उठाते ही हो सकता है दूसरा चाकू से हमारे हाथ में चोट लग जाए या कट जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, चाकू को हमेशा ऐसे उल्टा रखना है। इससे क्या है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा, आप चाकू लेने आएंगे तो आप बिल्कुल भी आपको चोट नहीं लगेगी। और एक और मैं सेफ्टी बताती हूँ, आपको क्या करना है, चाकू लेना है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉ को ऐसे काट लेंगे, कैंची से काट लेना है, बहुत ईजिली ये कट जाएगा। जितना बड़ा आपका चाकू है उतना बड़ा ऐसे आप कट लगा लीजिए और इसको हम क्या करेंगे, चाकू में ऐसे कवर जैसा पहना देंगे। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉ है आपको क्या करना है, उसको कट करके निकाल देना है। तो मैं यहाँ से इसको कट करके निकाल देती हूँ। ये देखिए आपका, अब आप यदि सेंगा खड़ा ऐसे चाकू भी रखेंगे ना तो भी इसके धार से बिल्कुल आपको चोट नहीं लगेगी। तो है ना सही आइडिया। फ्रेंड देखिए, गीला बाथरूम भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो जब हम बाथरूम में भी वाइपर मारते हैं तो ऐसे सॉक्स वाले वाइपर से जब हम बाथरूम को क्लीन करेंगे ना तो बाथरूम हमारा सब क्लीन ही होगा, ड्राई भी पूरी तरीके से हो जाएगा। ये देखिए जैसे आप खींचते जाएंगे तो पूरा सॉक्स पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरे बाथरूम को अच्छे से ड्राई भी कर देगा। तो आपका बाथरूम ना केवल क्लीन होगा बल्कि ड्राई भी हो जाएगा।
फ्रेंड्स, बाल तो सभी के आजकल झड़ते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। तो जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन बाथरूम में तो बाल ही बाल इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसको उठा के फ्लश टैंक में डाल देते हैं, फ्लश कर देते हैं। अब उन्हें लगता है बाल निकल गया, लेकिन ये बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि ये आगे जाकर के आपके टैंक की नाली को चोक कर देता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा आइडिया है। साबुन तो हर घरों में निकलते ही रहता है, हर हफ्ते एक नया साबुन निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं ना साबुन निकालती हूँ तो उसके रैपर को क्या करती रख लेती हूँ, और इसमें मैं बाल को स्टोर करके रख देती हूँ। तो क्या है कि रैपर से खुशबू भी बनी रहती है साबुन की, और दिखता भी नहीं है। आप चाहे तो किसी डब्बे में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डब्बे में दिखता है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे कोई भी लकड़ी ले लेना है, और देखिए आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बालों को उठाना है और रैपर के अंदर डाल देना है। जब आपका रैपर भर जाए तो आप इसे उठा के ले जाके डस्टबिन में डाल दीजिए। है ना सही आइडिया जुगाड़, आपका बाथरूम भी क्लीन रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डस्टबिन भी रख सकते हैं बाथरूम में, लेकिन अब क्या है कि सबके बाथरूम इतने बड़े तो होते नहीं है कि वहाँ डस्टबिन भी हो, बाल्टी भी हो, टब भी हो। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे, मेरा भी बाथरूम बहुत छोटा है, इसलिए मैं ऐसे ही रैपर में रख देती हूँ। तो नहाने से पहले मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ अपने बाथरूम को। है ना सही आइडिया जुगाड़। ये देखिए मैं इसे इस तरीके से रख देती हूँ, जब भी बाल उठाना होता है मैं स्टिक से बाल उठाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ, और जब ये भर जाएगा तो मैं इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगी।